हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म डॉग गॉन ट्रबल को, जिस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और अब फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी का फोकस जो आपने ट्रेलर में देखा है वही है, यानी कि ट्रबल नाम के डॉग पर, जिसकी ओनर मिसेस सारा के मर जाने के बाद उसे बेघर कर दिया जाता है। लेकिन बाद में दूसरे ओनर्स को पता चलता है कि अगर ट्रबल उनके साथ नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी भी उनके हाथ से चली जाएगी। उसके बाद उन कैरेक्टर्स या फिर कह लो विलेंस की जर्नी शुरू होती है, जिसमें वो लोग ट्रबल को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग कुछ ट्रैकर को भी हायर करते हैं जो इन सब में माहिर है। अब बात करें ट्रबल की, तो ट्रबल की मुलाकात जोई नाम के कैरेक्टर से होती है, जिससे अब उसका लगाव बनता भी है या नहीं, और क्या ट्रबल के दूसरे ओनर्स उस तक पहुंच भी पाए या नहीं, यही जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म डॉग गॉन ट्रबल, जिस फिल्म की लेंथ लगभग 1.5 घंटे की है। तो क्या ये एनिमेटेड फिल्म आपको आपकी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखना भी चाहिए या नहीं, चलिए उस डिटेल पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से बता देता हूँ कि ये एक एनिमेटेड फिल्म है, यानी कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म, और सिर्फ बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म, जिसे बच्चे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और उनका एक काफी अच्छा खासा टाइम पास इस एनिमेटेड फिल्म को देखकर हो जाएगा। ऊपर से फिल्म को हिंदी डब भी किया गया है, जिसकी हिंदी डब बच्चों के हिसाब से अच्छी की गई है, जिसे देखकर जैसे कि मैंने कहा उन्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठकर इस फिल्म को देख रहे हो तो आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अकेले बैठकर देखने जैसी ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इस फिल्म का एनिमेशन का लेवल स्टोरी के हिसाब से बाकी दूसरी बनी हुई पेट्स की एनिमेशन फिल्म के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पुअर है। लिटरली ये फिल्म उन फिल्मों के आसपास भी खड़ी नहीं होती, क्योंकि ट्रेलर में एक तो फिल्म की पूरी स्टोरी बता दी गई है, जिसमें नया कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा इस फिल्म को देखते वक्त आपको उन सभी के सभी पुरानी एनिमेटेड फिल्मों की ही याद आएगी, इसलिए ऑप्शन उन फिल्मों का फार बेटर रहेगा इस फिल्म को देखने के हिसाब से। पर जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इस फिल्म को अकेले देखने की प्लानिंग कर रहे हो तो इसके अलावा फिल्म के एनिमेशन की बात करें तो वो भी उतने ज्यादा हाई लेवल का नहीं है, और ना ही इस फिल्म में कैरेक्टर्स के एनिमेशन के हिसाब से उतनी ज्यादा डिटेलिंग डाली गई है। बाकी कैरेक्टर्स की बात करके कोई मतलब बनता है नहीं, जो कि अगेन इस फिल्म में स्टोरी की ही तरह बिल्कुल गायब है। और वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो फिल्म के हिंदी डब के वॉइस आर्टिस्ट की डबिंग इस फिल्म के लिए अच्छी की गई है, और हाँ, इंग्लिश का ऑप्शन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा हिंदी देखने के हिसाब से। इसके अलावा फिल्म का डायरेक्शन, BGM और फिल्म की एडिटिंग बहुत ज्यादा एवरेज है। और अब बात करें इस फिल्म की रेटिंग्स के बारे में, तो इस फिल्म के एक्शन और ड्रामा को मैं 5 में से 1.5 स्टार की ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि कहानी कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती और एक्शन इस फिल्म का ठीक ठाक है। और अब बात करें इसकी कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग तो दूंगा ही, बाकी 0 स्टार इसके सस्पेंस, हॉरर फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये एक अच्छी खासी सी टाइम पास सी फिल्म है, यानी कि उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है B+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये फिल्म कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई है, लेकिन फिर भी उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है B की। और बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को बच्चों के साथ बैठकर देखने के हिसाब से ही B- की रेटिंग दूंगा, वरना ये फिल्म सीधे C- की कैटेगरी में आती है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉग गॉन ट्रबल को लेकर, क्या आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।